नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। कौन कहता है कि पहाड़ झुक नहीं सकते, कोई अगर झुकाने वाला हो। और यहाँ पे उस पहाड़ के सामने एक और पहाड़ खड़ा हुआ है, वो है अपना पठान। और यहाँ पे भैया पठान आज 40 दिन गुजरने के बाद भी थिएटर्स के अंदर वही यहाँ पे भैया क्रेज को बरकरार रखने में कामयाब हुई है, जो क्रेज यहाँ पे लॉन्चिंग के साथ था। लोगों की यहाँ पे भैया दिलों के अंदर मोहब्बत है। और यहाँ पे SRK के जो फ्रेंड्स है, अनबिलीवेबल, मैं दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूँ कि भैया आज तक इस मूवी की जो हाइप बना के रखी हुई है भैया, अनबिलीवेबल। सेल्फी के इतने यहाँ पे भैया कलेक्शंस नहीं है जितने आज तक 40 दिन गुजरने के बाद भी पठान के हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भैया काफी ज्यादा ऐसी बॉलीवुड मूवीज आई है, लेकिन 40 दिन तक कोई भी टिक नहीं पाता। लेकिन पठान वो एक लोती फिल्म है जो 40 दिन गुजरने के बाद भी आज भी थिएटर्स की शान बनी हुई है। और अगर हम बात करें डे 40 की अर्ली एस्टिमेट रिपोर्ट के बारे में, तो मैंने आपको सुबह बताया था कि भैया एडवांस बुकिंग 37 लाख रुपए की हो चुकी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इस मूवी को 2 करोड़ कमाने चाहिए। लेकिन भैया 2 करोड़ से भी ज्यादा का अर्ली एस्टिमेट निकल के आ रहा है, और यहाँ पे 2.75 लाख रुपीस, यानी कि भैया 2 करोड़ 75 लाख रुपए ये मूवी आज के दिन भी ठोकने वाली है। और अगर हम बात करें ओवरसीज के बारे में, तो यहाँ पे ओवरसीज के नंबर भी 1.5 करोड़ से ज्यादा आने वाले हैं, जो कि अर्ली एस्टिमेट रिपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रही है। उसके अकॉर्डिंग ये मूवी भैया आज संडे को एक बहुत बड़ा संडे बनाने वाली है। यकीन नहीं हो रहा है कि भैया आज तक लोग इतना इस मूवी को पसंद करते हैं, और आज तक इस मूवी का इतना क्रेज है कि इतना मूवी ये कमा रही है। और अभी तो पता नहीं कितना और यहाँ पे इस मूवी ने बटोरना है, कितना बड़ा पहाड़ खड़ा करके जाना है बॉक्स ऑफिस के ऊपर, इसके ऊपर यहाँ पे भैया फ्यूचर में पता लगेगा। लेकिन आप बताइए कि आपको ये अपडेट कैसी लगी, और आज यहाँ पे भैया 2 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई और 1032 करोड़ का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन, और यहाँ पे जो रुकने का नाम ले रही है फिल्म, ये कहां तक जाने वाली है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इससे इंटरेस्टिंग अपडेट और जानना चाहते हैं, चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हम और आप हमेशा कनेक्ट रहे और आने वाले हर एक अपडेट को इसी तरीके से कवर करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। ख्याल रखिएगा, हमेशा टाटा बाय बाय, गुड बाय।